हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले वीपीसीआई यानी कि वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और काउंसलर की वैकेंसी निकाली थी, जो कि दोस्तों ऑफलाइन होनी थी, यानी कि आपको इसका आवेदन पत्र भेजना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वैकेंसी का जो आवेदन पत्र है वो कैसे फिल करना है। काफ़ी बड़े रिक्रूटमेंट है दोस्तों, फीस जो है बिल्कुल जीरो रहेगी, और अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है या आप 12th पास आउट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो आप कैसे फिल कर सकते हैं और दोस्तों कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरी जानकारी पाने से पहले वीडियो को एंड तक देखें, और दोस्तों अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाले सभी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन लेटर रहेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 पेज है, ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा वल्लभ भाई चेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद यहाँ पर पता है कि नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज, यहाँ पर दोस्तों आपको जानकारी दी गई। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। आपकी फोटो जो रिसेंट होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी आप किस पोस्ट के अप्लाई करें, आप डी के लिए करेंगे या फिर दोस्तों काउंसलर के लिए करेंगे, वो नाम लिखना होगा। यहाँ पर आपको अपने रेफरेंस नंबर और दोस्तों यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, यानी जिस डेट को आप अपना जो एप्लीकेशन लेटर फिल करेंगे। और दोस्तों, अब इसके बाद देखिए, कॉलम नंबर 1 में आपको अपना नाम लिखना है, आपका नाम जो ब्लॉक लेटर में यानी बड़े अक्षरों में लिखना है, और दोस्तों आपके फादर का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। दोस्तों, पूरा जो फॉर्म है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पूरा फॉर्म है ये आपको इंग्लिश में लिखना है और दोस्तों कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर आप हिंदी का यूज करते हैं या फिर दोस्तों छोटे वर्ड्स का यूज करते हैं तो उसे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको अपनी डीओबी लिखनी है। दोस्तों, आपकी डीओबी बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट से मैच होने चाहिए। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर पूछी गई आपकी एज, यानी कि दोस्तों 20 जनवरी 2022 को आपकी एज कितनी होगी, आप कितने ईयर्स के होंगे, कितने मंथ्स के होंगे, दोस्तों आपको ये जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद आपकी नेशनलिटी, नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना होगा, और दोस्तों यहाँ पर आपका सेक्स, आप मेल है या फिर फीमेल, और दोस्तों यहाँ पर आपको मैरिड या फिर अनमैरिड बताना होगा, यानी कि आप शादीशुदा है या बगैर शादीशुदा है। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉलम नंबर 4 में आपको बताना है कि आप अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं फिलहाल में, वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, और आप कब से कब तक काम कर रहे हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। और दोस्तों, नेम और एड्रेस, यानी आप किस ऑफिस में या फिर कहाँ पर काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। साथ ही कॉलम नंबर 5 में देखिए, उससे रिलेटेड जो है आपका बेसिक मंथली पे और दोस्तों अलाउंस, यानी आपको क्या क्या छूट दी गई है, ये सभी जानकारी जो आपको यहाँ पर देनी होगी। अगर दोस्तों आप किसी पोस्ट पर काम करते हैं तो ही ये आपको जानकारी देनी है, अदरवाइज ये जानकारी आपको बिल्कुल भी नहीं देनी होगी। और दोस्तों, अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, कॉलम नंबर 6 में हमसे कैटेगरी के बारे में पूछा गया, यानी आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, आप जिस भी कैटेगरी जैसे कि ST OBC जनरल से बिलोंग करते हैं या ना, यहाँ पर ये बताना दोस्तों, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और दोस्तों, अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनका जो कास्ट सपोर्टिंग सर्टिफिकेट है, यानी कि इनका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना होगा। इसी के साथ कॉलम नंबर 7 में देखिए दोस्तों, आपका एड्रेस पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पर 2 एड्रेस दिए गए आपको, परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपके पास 2 एड्रेस है तो दोनों अलग अलग फिल कर सकते हैं, आपके हाउस नंबर, आपके गली नंबर, आपके विलेज टाउन सिटी जहाँ पर आप रहते हैं, साथ ही उनके पिन कोड और मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस अगर आपके पास है तो ये सभी जानकारी जो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और दोस्तों, अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, कॉलम नंबर 8 में दोस्तों आपसे पूछा गया कि आपको कोई पेंशन तो नहीं मिलती है, यानी कि जो कैंडिडेट है, यानी कि आप जॉब अप्लाई करेंगे तो दोस्तों आपको कोई पेंशन तो नहीं मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको नो लिखना होगा। और इसी के साथ अगला जो है, यहाँ पर पूछा गया कि यानी कि आपके जो रिटायरमेंट या फिर ऐसे कुछ होने के चांसेज है, यानी कि अगर आपको आगे चल कर पेमेंट मिलती है तो दोस्तों आपको यहाँ पर भी जो है नो लिखना होगा। अब इसके बाद आगे चल कर देखिए दोस्तों, इसके बाद देखिए पेज नंबर 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, कॉलम नंबर 9 में आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके 10वीं 12वीं की जो जानकारी वो आपको यहाँ पर देनी होगी, यानी कि आपने जो 10वीं की है कौन सी ईयर में की थी, सब्जेक्ट क्या क्या थे, दोस्तों आपके टोटल कितने मार्क्स आए, और दोस्तों कौन से कॉलेज या फिर स्कूल से की है और किस यूनिवर्सिटी से की, ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसी तरह से जो 10th की जानकारी देनी होगी, और दोस्तों अगर आपके पास कोई और डिग्री, डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये सभी दोस्तों जानकारी जो बिल्कुल सही और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से भरनी चाहिए, अगर यहाँ पर कोई बिगड़ पाई तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद कॉलम नंबर जो 10 है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया, यानी कि आपने कहीं और पर काम किया है तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपने किस इंस्टीट्यूशन में काम किया है, आपका पे स्केल क्या था, आपका जो काम था वो क्या था, और दोस्तों किस स्पीड से किस स्पीड तक काम किया था, टोटल जो आपने कितने मंथ या फिर कितने ईयर्स काम किया था, यानी कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और वहाँ से जब आपने काम छोड़ा था वो दोनों डेट, तो और दोस्तों उन दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस, यानी कि आपने कितने साल या फिर कितने महीने जो है वहाँ पर काम किया था। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर
बहुत ही ध्यानपूर्वक भरनी होगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों कॉलम नंबर जो 12 है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया कि एनी अदर रेलिवेंट फैक्ट विच द कैंडिडेट्स में लाइक टू ऐड, यानी अगर आपके पास कोई और जानकारी आपसे खुद से रिलेटेड जो आप डिपार्टमेंट को बताना चाहते हैं पहले ही, तो जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो साथ में दोस्तों कॉलम नंबर 13 देखिए, वेदर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया एज पर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में जो जो शर्तें आपसे रखी गई है कि आप उस क्राइटेरिया को फिल कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर यस लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए आपको डिक्लेरेशन दी गई है, यहाँ पर डिक्लेरेशन में देखिए मैं आपको बढ़ के बता देता हूँ, आई डिक्लेयर दैट ऑल दी स्टेटमेंट्स मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू ऑफ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, यानी कि ये जितनी भी जानकारी मैंने दी गई बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और दोस्तों यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी जिस दिन आप अपना जो एप्लीकेशन लेटर है वो फिल कर रहे हैं। दोस्तों आगे चलकर आपके कॉपीज के बारे में बताया गया, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको डालने होंगे, तो सिंपली मैं आपको बता दूँ आपके 12th के सर्टिफिकेट्स, आपके 10th के सर्टिफिकेट्स और दोस्तों इसी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डालने होंगे, आपके आधार कार्ड, आपके डोमोसाइल और दोस्तों आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है ये आपको डालने होंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपके पास कार्ड सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं और दोस्तों एक सेल्फ एड्रेस इनवेलप आपको डालना होगा जिस पर कोई भी स्टाम्प नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको इसके साथ अटैच करने होंगे सभी दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, रियल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजने हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी, अगर आप एलिजिबल हैं तो अभी से अप्लाई कर लीजिए, काफ़ी बड़े रिक्रूटमेंट होने वाली है दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। और दोस्तों अगर आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं पता है तो इसका हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में या फिर दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों ये आपका एड्रेस रहेगा, इस एड्रेस पर जो आपका एप्लीकेशन लेटर लास्ट डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अपना एप्लीकेशन लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिल्कुल फ्री में अपना एप्लीकेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।